नज़र रखी जा रही है सारे परीक्षाओं पर कि परीक्षा कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में होते रहे। जी, इस वक्त हमें बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के कार्यालय में, और यहाँ बता दें कि परीक्षा शाखा जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, यानी कि अंदर में मॉनिटरिंग चल रही है, किस बात की चल रही है वह भी हम आपको बताते हैं। बता दें कि बिहार में 64 पदों के लिए जो है वैकेंसी आई थी, जिसमें सब इंस्पेक्टर और अग्निशमन पदाधिकारियों की जो है वैकेंसी आई थी, जो कि PT था वह एग्ज़ाम ले लिया गया है। मुख्य परीक्षाएँ आज हो रही है और पटना के TPS कॉलेज में परीक्षा चल रहा है, और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है वह मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम पदाधिकारी और अधिकारी जो हैं वो उनकी नज़र जो है परीक्षा कक्ष में है, और देखिए यहाँ पे तमाम पदाधिकारी जो हैं पुलिस अधिकारी जो हैं वह तमाम लोगों की जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं से भी किसी तरह का कोई ऐसा दाव पेश न मिले, ताकि आने वाले समय में जो है परीक्षाओं को लेकर के जो आए दिन जो सवाल उठाए जाते हैं कि धांधली होती है या फिर अन्य चीज़ें, तो इस तरह का कुछ न हो इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। और देखिए एक एक नहीं बल्कि यहाँ पर जो है दर्जनों कंप्यूटर लगाए गए हैं, और एक बड़ा सा जो है स्क्रीनिंग जो है आप देख सकते हैं कि जो TV है वह लगाया गया है, यानी कि एक एक चीज़ों पर जो है बारीकी से नज़र रखी जा रही है, ताकि एक भी स्टूडेंट जो है किसी तरह का कोई चोरी ना करें या फिर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है परीक्षा केंद्र में जो है वह लेकर के नहीं जाए, यानी तमाम चीज़ों का स्कैनिंग जो एक तरह से कहा जाए वह यहाँ इस परीक्षा हॉल में जो है वह चल रहा है, यानी कि परीक्षा शाखा जो है वहाँ देखिए किस तरह से जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। और बता दें कि ये मुख्य परीक्षा है, इसके बाद जो है फिजिकल होना है, और तब जा करके जो है सिलेक्शन लोगों की होगी। बता दें कि 53 जो है अग्निशमन पदाधिकारी हैं और 11 जो हैं सब इंस्पेक्टर हैं। बात करने की भी कोशिश करेंगे सर, किस तरह से यहाँ पे चेकिंग हो रही है, क्या ख्याल रखा जा रहा है? यहाँ से हम लोग पूरे एग्जाम सेंटर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और नॉट ओनली ऑन कैंडिडेट्स बट ऑल्सो ऑन इन्विजिलेटर्स एंड अदर स्टाफ्स हु आर एम्प्लॉयड देयर फॉर द स्मूथली कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो हम लोग सारे यहीं से नज़र रखते हैं, अगर कहीं कुछ सस्पिशियस दिखता है तो हमारे कंट्रोल रूम से डायरेक्ट, वहाँ हमारा कंट्रोल रूम दो अफसर बैठे हुए हैं, वहाँ से डायरेक्ट बात होती है CS से और तुरंत उसको हम लोग नलीफाई करते हैं। यानी कि धीरे धीरे अब परीक्षाओं में जो है वह चेंजेस लाए जा रहे हैं, ताकि हाँ बिल्कुल नज़र रखी जा रही है सारे परीक्षाओं पर कि परीक्षा कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में होते रहे। जी, आए दिन जिस तरह से दरोगा परीक्षा हो या फिर सिपाही परीक्षा हो, जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है, कहीं वो उन सब चीज़ों को देखते हुए तो इस तरह का पहल नहीं किया जा रहा है सर? ये सब विशेष रूप से वही है, लेकिन सवाल है कि ये सब ऊपर के आदेशानुसार ही काम होता है, और ये पदाधिकारी जैसे जैसे करते हैं वैसे हम लोग उनके अंडर में काम करते हैं। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि छवि को भी सुधारा जा रहा है इसके तहत, क्योंकि जिन परीक्षार्थी को ये संदेह रहता है कि परीक्षा में जो है किसी तरह का कोई धांधली हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो इस तरह की कोई संभावनाएँ जो है वह नहीं है। जी, इसीलिए हर तरह से मतलब पैनी नज़र रखी जा रही है, कैमरा हो या वहाँ पे बायोमेट्रिक स्टैंप लिया जा रहा हो या फोटो खींचा जा रहा हो, हर तरह से मतलब एकदम निष्पक्ष और सही तरीके से कैंडिडेट मतलब आए हम लोग का सिलेक्शन होकर। निश्चित तौर पे, यानी कि अब तो अंदर में चीट पुर्जा भी ले जाना एकदम वर्जित हो गया क्या सर? बिल्कुल मैम, क्योंकि अब तो एक एक नज़र नहीं, पहले तो था कि क्लासेस में जो है कैमरे ही सिर्फ फोकस करते थे, अब तो कैमरे के अलावा भी कैमरे लगे जी। बिल्कुल है। हर किसी के ऊपर कोई ना कोई है, यानी किसी से भी नहीं बच पाएंगे। नो, किसी से नहीं बच पाएंगे, आप कहीं ना कहीं से पकड़े ही जाएंगे, यदि गलत करेंगे तो पकड़े ही जाएंगे। निश्चित तौर पे अगर इस तरह से और भी प्रयास किया जाए तो सभी परीक्षाएं जो है वो पारदर्शिता तरीके से जो है वो बिल्कुल आ सकती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे। तो देखिए पुलिस विभाग द्वारा जो है यह बड़ा एक जो है कहा जाए कि कदम उठाया गया है, और देखिए आए दिन जिस तरह से परीक्षाओं को लेकर के जो संदेह बना रहता था, अब कोई भी इसमें ये नहीं है किसी तरह का कोई अब इसमें संदेह नहीं रह पाएगा, कोई चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर कोई और अन्य हो। अब देखने वाली विषय होगी कि जो परीक्षाएँ ली जा रही है 64 पदों के लिए, इसमें किसकी जो है वह बाजी जो है वह कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो पदाधिकारी या अधिकारी बन सकते हैं, और किसकी जो है वह भाग्य जो है एक तरह से कहा जाए कि फिर से आजमाने की कोशिश की जाएगी। तो तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फोर नेशन के साथ। धन्यवाद।